अच्छा सर, अपनी बंदी से भाई दूसरा मिला हैगा तो किस तरह की मंग रखी है? देखो पंथ के जेडे पेंडे है वो हमेशा बिखड़े रहे हैं, सच का मार्ग हमेशा औखा ही होंदा है। तो पंथ जदों जदों भी इकट्ठा होके इन्हां बिखड़े पेंडिया तो गुजरिया तो ये पेंडे ये सफ़र बड़ा आसान होया। अज जिहड़ी सब तो वड्डी जरूरत है वो यही है कि समुचा गुरु खालसा पंथ, समुचे गुरु खालसा पंथ दीयां संस्थावां, जथेबंदियां, संप्रदावां, सियासी धिरां सारियां जिहड़ियां वो इकट्ठे होके सफ़र करन तां जो असी गुरु खालसा पंथ नूं बुलंदियां दे उत्ते लै जा सकीए। अज ये नौजवान बंदी सिंह रिहाई मोर्चे वल्लों ये आए ने और इन्हां दे दिलां दे विच वी इक हूक है कि पंथ जिहड़ा है उस सूरत दे विच ही फतेह हासिल कर सकता है जे इकट्ठा होकर आपसी मतभेद भुला के इस सांझे रूप दे विच सफ़र दे उत्ते पए, चाहे वह सफ़र समाजिक है, धार्मिक है या सियासी है। पर इन्हां ने जिहड़ी गल कीती है मैं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि जे इलैक्शन लड़नी है संगरूर दे अंदर तो क्यों ना सारियां सियासी धिरां जिहड़ियां ने साडियां सिख इकट्ठियां होकर सांझा मुहाज बना के लड़न। पर मैं रात भी ये शब्द कहे सी कि जिहड़े साडे नौजवान जेलां दे विच बंद है उन्होंने बड़ा औखा वक्त औखा समा अपने पिंडियां दे उत्ते हंडाया है और हंडा रहे हैं। तो पिछे जिहड़े उन्होंने परिवार है उन्होंने भी कोई आसान सफ़र ने जिहड़ा वो नहीं किया जिंदगी दे अंदर, उन्होंने भी बहुत दुशवारियां मुश्किलों का और औखे हालातों का जिहड़ा है वो सामना करना पिया और कर भी रहे हैं। जिमें एक बंदा अगर हस्पताल हो सारा परिवार जिहड़ा है वह मुसीबत हुंदा है, इवें एक बंदे दे उत्ते जदों मुकदमे झूठे दर्ज होए जेलों के सिंह गए तो उन्होंने परिवारों को भी बहुत वड्डा कष्ट उठाना पिया। तो जे कौम अजिहे हालातों के अपने इन्हां बंदी सिंघां या बंदी सिंघां दे परिवार जिन्होंने तसीहे झले ने तशद्दुद झल्लिया तो उन्होंने सन्मान ना करेगी तो ये एक मैं समझदा कि चंगी गल नहीं होएगी, इतिहास इसनों चंगा नहीं कहेगा। इसलिए बिल्कुल सही गल है ये जिहड़े नौजवान आए ने मैं इन्हां नाल सहमत हैं कि बंदी सिंह या बंदी सिंघां दे परिवार दे विच्चों ही सारियां सियासी धिरां नूं सारे अकाली दलां नूं सारियां जथेबंदियां नूं सारियां संप्रदावां नूं सांझे रूप दे विच ही जिहड़ी फाइट जिहड़ी है लड़ाई जिहड़ी है सियासी वह लड़नी चाहीदी है। क्योंकि एक पासे सानूं फिरकू ताकतां वल्लों घेरा पाया जा रहा है तो दूसरे पासे जिहड़े सड़े बुझे कामरेड है वह सानूं घेरा पा रहे हैं। अजे पुराने जिहड़े कम्यूनिस्ट सी उन्हां दा फिर भी एक करदार सी, एक आचार सी, व्यवहार सी, लेकिन अज सानूं चारे तरफों जिहड़ा है वह घेरा पाया जा रहा और इस घेरे दे विचों असी सांझे रूप दे विच इकट्ठे हो के जिहड़ा वह निकल सकते हैं। इस करके सारे गुरु खालसा पंथ दीआं नामावर सियासी धिरां नूं इहो ही असी कहना चाहुंदे हां कि इकट्ठियां होवो, मीटिंग करो, विचार करो और बंदी सिंघां नूं बंदी सिंघां दे परिवारां नूं जरूर सम्मान जिहड़ा है वह मिलना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने, घर बैठे 11 मिनटा च 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी जानबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना स्वतंत्र दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435 0321।